हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक रिव्यू। पिछले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, लेनोवो X131E क्रोमबुक मैंने मंगवाई थी और उसके बाद आज उसी का रिव्यू कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद। तो पहले मैं आपको बताऊंगा इसमें सारे डिटेल के बारे में। और ये पीछे में आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट जलती है, बैजिंग है, ग्रीन लाइट जलती है, वो वाईफाई की है। बता देता हूँ पहले मैं आपको, चारों तरफ से दिखा देता हूँ कौन कौन से पोर्ट्स हैं। नीचे की तरफ इसमें आपको मिलता है स्पीकर फ्रंट में, और सामने की तरफ और कुछ भी नहीं है। बाईं तरफ आप जाएंगे तो एक सबसे पहले आपको VGA पोर्ट मिलता है, उसके अलावा फिर ग्रिल है, ये गर्म हवा बाहर निकलने के लिए, दो USB पोर्ट्स हैं और एक ईथरनेट पोर्ट है, उसके बगल में एक माइक्रोफोन जैक। ये हो गया बाएं तरफ का हिसाब किताब। और अब आपको दाहिनी तरफ दिखाता हूँ मैं। दाहिनी तरफ में आपको मिलेगा SD कार्ड, माइक्रो SD कार्ड नहीं है, SD कार्ड का स्लॉट है। उसके बगल में एक HDMI पोर्ट है। HDMI पोर्ट के बगल में आप देखते हैं एक USB पोर्ट और है, और ये पावर अडाप्टर के लिए पोर्ट दिया, और बगल में एक कैंसिलेशन लॉक के लिए लॉक कर सकते हैं। और पीछे की तरफ कुछ भी नहीं, और नीचे की तरफ बैटरी लगती है। साइड में दो तरफ से आप स्लाइड करेंगे तो बैटरी बाहर निकल जाती है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, मैंने इसको करीब करीब 5.5 घंटे इस्तेमाल किया, उसके बाद भी बैटरी उसमें बची हुई थी करीब 30-35%, और कंपनी के हिसाब से 8-8.5 घंटे का बैकअप है, जबकि रिफर्बिश्ड है, तो बहुत अच्छी वारंटी के साथ। और अब चलिए मैं खोल के दिखाता हूँ। इसमें आपको मिलता है फ्रंट में फुल कीबोर्ड है ये, और नीचे की तरफ माउस ट्रैक पैड है, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट प्रेस बटन्स हैं, लेनोवो की ब्रांडिंग है। यहाँ पर भी एक लाइट LED जलती है, और बीच में ट्रैक पैड है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। बाएँ हाथ पे टॉप कॉर्नर में आपको मिलता है पावर ऑन ऑफ स्विच, और 11.6 इंच की HD स्क्रीन है इसकी, जो कि बिल्कुल नए की तरह। और फ्रंट में आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है, और शायद 720p कैमरा है ये, और बगल में उसके एक LED ग्रीन। चलिए इसको खोल लेते हैं और खोल के आपको दिखाते हैं। इसकी बूटिंग बहुत ही फास्ट है दोस्तों। क्रोमबुक का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें सेलरॉन प्रोसेसर पड़ा हुआ है 1.5 या 1.6 GHz का, और 4 GB की रैम, 320 GB हार्ड डिस्क के साथ बहुत फास्ट बूटिंग है इसकी। क्रोम में ज़्यादातर क्लाउड बेस्ड होता है, तो जैसे कि आप इसमें बहुत सारे अकाउंट्स रख सकते हैं या गेस्ट की तरह भी साइन कर सकते हैं। चलिए मैं इसमें पासवर्ड डाल देता हूँ और अपने अकाउंट से लॉगिन करता हूँ। इसमें लॉगिन करने के बाद आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कहने का मतलब, विंडोज़ या लिनक्स या और किसी आप डेस्कटॉप लेते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बूट होने, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और आप अगर कनेक्टेड इंटरनेट से तो बहुत जल्दी से, ये देखिए इसमें लोड हो गया, यूट्यूब लोड हो गया, और कोई भी वेबसाइट में खोलना चाहते तो बहुत आसानी से खुल जाती है विदाउट डिलेइंग, कोई टाइम डिले नहीं होता, और जल्दी से आप अपना काम कर पाते हैं। ऊपर से गूगल ड्राइव में आप डेटा सेव कर सकते हैं, या बहुत सारा ऑनलाइन आप चैटिंग कर सकते हैं फेसबुक पे या किसी भी अन्य ऐप के ऊपर, और वेब स्टोर से आप बहुत सारे ऐप्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए इसका इंटरफेस को इस तरह से होता है। अगर आपको कोई ऐप सर्च मारना है उसमें सर्च कर लीजिए, और नीचे से आप फाइल क्लिक करेंगे तो ये देखिए सारे ऐप इसमें जो इनबिल्ट हैं, शीट्स या इस तरह के सारे काम आप कर सकते हैं, वर्ड पे, शीट्स पे, सब कर सकते हैं। और कैमरा और फाइल अगर आपको देखना तो फाइल्स पे आप क्लिक कीजिए, फाइल पे जाके दाएं तरफ 3 डॉट्स हैं, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बता देगा कितना स्पेस है, कौन कितने पार्टीशन है, कितना स्पेस में बचा हुआ है। और कुल वजन इसका है 1.5 किलो, थोड़ी सी हैवी है, लेकिन आजकल जो आ रही है बहुत ही हल्की, और भी हल्की हो जाती हैं। तो क्रोमबुक का बेनिफिट ये कि आप अपने घर के बच्चों के लिए यूज़ करना चाहते हैं, सस्ती चीज़ लेना चाहते हैं और जल्दी क्विक बूटिंग है, ज़्यादा हैवी नहीं लेना चाहते महिलाओं के लिए, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे काम आपके इससे हो जाते हैं, ऑनलाइन वेब सर्फिंग है, या फिर आप YouTube देखना चाहते हैं, YouTube काम करना चाहते हैं, सारे काम आपके इस पर हो जाते हैं। हैवी काम के लिए आपको लैपटॉप लेना पड़ेगा, लेकिन सभी को लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती नहीं। ये सारे इसमें आप जितने भी ज़रूरत पड़ती है ऐप्स की, वो सारे ऐप्स में, और बाकी वेब स्टोर से आप डाउनलोड। चलिए मैं आपको कैमरे को दिखा देता हूँ। कैमरा इसका बहुत अच्छा है, कैमरे मैंने इसमें वॉइस भी रिकॉर्ड करी है, तो रिकॉर्ड करके देखता हूँ उसमें। और कैमरे को आप फुल स्क्रीन कर लेते हैं, फुल स्क्रीन में जाके राइट में बॉटम की तरफ आइकन पर क्लिक करेंगे तो सारी फाइल वहाँ आपको मिल जाती है जो आपने सेव करी कैमरे में। इसमें क्रोमबुक में गूगल की सिक्योरिटी होती है, तो आपको एंटीवायरस की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और बहुत ही मजबूत और स्टडी प्लास्टिक की बॉडी है इसकी, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे ये। तो उसमें और भी खासियत है, जैसे कि बहुत जल्दी फुल चार्ज हो जाती है, 1 से 1.25 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो गई थी मैंने जब चार्ज किया था इसको, तो फास्ट चार्जिंग है।
और बहुत ही बढ़िया यूज़फुल है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आपसे होगी। ये देखिए पीछे में जो आप लाइट देख पा रहे हैं, वाईफाई कनेक्ट होगा तो ग्रीन लाइट इसमें चलेगी, और पीछे की तरफ थिंक पैड के जहाँ लिखा हुआ वहाँ भी एक रेड LED जलती है ताकि दिखाता है आपका सिस्टम ऑन है। तो दोस्तों उम्मीद है पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो जानकारी पहले मिले। शेयर भी कीजिए दोस्तों में, परिवार में, सभी के, ताकि सभी का फायदा हो उसका। और कमेंट करके जरूर बताइए कैसे लगते हैं आपको मेरे वीडियोज़। और शटडाउन भी बहुत आसानी से हो जाती है, शटडाउन कीजिए। और आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।